नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट बनने जा रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जेवर में शिलान्यास किया। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों से पहले विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट राजनीति नहीं राष्ट्र नीति है, जबकि पिछली सरकारों में केवल राजनीतिक रेवड़ियों की तरह ऐलान किए जाते थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट परियोजना तो उनके शासनकाल में आनी थी, बीजेपी उनके काम का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा कि अगर चूड़ियों के लिए मशहूर फिरोजाबाद में एयरपोर्ट का प्रस्ताव माना जाता तो विकास और व्यापक होता। जेवर का तेवर बनाम चूड़ी की चोट, इसी पर है आज का दंगल। पहले ये रिपोर्ट। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते। पहले राजनीतिक लाभ के लिए कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी, लेकिन प्रोजेक्ट जमीन पर कैसे उतरेंगे इस पर विचार ही नहीं होता था। यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, वही उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का अनावरण से बड़ा एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का जो सपना था, उसके भूमि पूजन के साथ विकास की नई उड़ान भरी गई है। लेकिन जब 2022 का चुनाव सामने है तो यही एयरपोर्ट राजनीतिक तकरार की वजह बन गया है। लखनऊ और दिल्ली की पिछली सरकारों पर जेवर एयरपोर्ट के काम को अटकाने, लटकाने और भटकाने के आरोपों को आपने सुना, लेकिन जरा अखिलेश यादव की दलीलों को देख लीजिए। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा है, अगर सपा सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने रोकी ना होती तो इस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता और उत्तर प्रदेश का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। ये सच है कि जेवर एयरपोर्ट को बनाने की पहली फाइल 2001 में तब बनी जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, लेकिन आज जब जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन हो गया है तो बीजेपी के समर्थक अखिलेश को ये कहकर चिढ़ा रहे हैं कि वो तो नोएडा आना ही अपशकुन समझते थे। जेवर एयरपोर्ट वाला विकास का ये मॉडल सामने रखकर बीजेपी पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से मिली चोट पर मरहम भी लगाना चाहती है। यहाँ के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहाँ की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहाँ पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। विकास, किसान और जिन्ना के अनुयायी, ये तीनों बीजेपी के मुद्दे बन रहे हैं। सामने खड़े अखिलेश बीजेपी पर अधूरे विकास के आरोपों के साथ छोटे दलों का समीकरण साधने में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो।